नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। सभी प्यारे प्यारे दोस्तों को अंकुर पारिक का हार्दिक सलाम। नमस्ते, जय हिंद साथियों। आज नवरात्र का पहला दिन है, शक्ति की उपासना का दिन। ये आप सभी के लिए मंगलमय हो। और आज ही से हमारे चैनल क्लास 24 एसएससी पर एक नया कार्यक्रम चालू होने जा रहा है, जो होगा डेली करंट अफेयर शो। डेली करंट अफेयर, लेकिन ये जो करंट अफेयर होगा ये पूरी तरीके से डेडिकेटेड होगा आपके एसएससी एग्जाम को। आप सभी को पता है कि एसएससी ने हाल ही में नया पैटर्न जारी करा है, जिसके बाद में जीके और करंट अफेयर वालों की इज्जत थोड़ी सी बढ़ गई है। जी हाँ, मैथ्स और इंग्लिश जो कि पूरी तरीके से पहले होते थे मेंस एग्जाम पास करने के लिए, सिर्फ उन्हीं को आधार माना जाता था, लेकिन अब एसएससी ने बहुत ही अच्छा पैटर्न बनाया है। इसके अंदर हमें जीके को बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा अगर हमें प्रॉपर एसएससी में पास होना है, अच्छी रैंक लानी है। ठीक है, कोशिश करेंगे हम रोज़ ये जो हमारी 45 से 50 मिनट की क्लास होगी, इसमें करंट अफेयर को एक अलग आयाम से पढ़ने की, आपको कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ने की। ठीक है, आज की पहली क्लास है। सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मैं हूँ अंकुर पारिक, आपका दोस्त। क्लास 24 के ही राजस्थान चैनल पर मैं क्लास लेता हूँ, और आज से मैं आपके लिए एसएससी चैनल पर भी क्लास लेकर आऊँगा। तो सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। एक बार जल्दी से क्लास को शेयर कर दीजिए, और आज की जो क्लास होगी उसके अंदर हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखेंगे कि राज्य ये जो आपके एसएससी के स्पेशल करंट अफेयर क्यों अलग है और कैसे हमें करंट अफेयर की तैयारी करनी है। ठीक है, पहली क्लास है, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कर लेंगे, उसके बाद में हम प्रॉपर तरीके से पढ़ाई चालू करेंगे। चलिए, सभी दोस्तों का स्वागत है, अभिनंदन है। एक बार जल्दी से आ जाइए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ में, अपने फ्रेंड्स के साथ में, और उसके बाद में चालू कर रहे हैं हम आज की स्पेशल करंट अफेयर की क्लास। चलिए दोस्तों, ठीक है, मैं भी शेयर कर देता हूं, आप भी शेयर कर दीजिए। चलिए, खुशी सैनी जी, स्वागत है आपका, गुड मॉर्निंग बेटा। चलिए, ये देखिए, ये हमारी स्ट्रेटेजी होगी, ये हमारी आज की रणनीति है, हमें क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले बच्चों, आपके लिए रोज एक मोटिवेशन डोज होगा, एक मोटिवेशन डोज जो आपको रखेगा पूरी तरीके से मोटिवेट, क्योंकि ये एग्जाम्स ऐसे हैं, ये परीक्षा ऐसी है कि आपको डेली मोटिवेट होना पड़ेगा। तो एक कैप्सूल मैं आज से आपको रोज खिलाऊंगा, मोटिवेशन की कैप्सूल, और ये फायदा करेगी आपके, आपको ये कैप्सूल बहुत ज़्यादा फायदा करेगी। चलिए, उसके बाद में बच्चों अगला सेक्शन है, क्योंकि आज हमारी पहली क्लास है, करंट अफेयर हाउ। ठीक है, करंट अफेयर क्यों जरूरी है आपके लिए, ठीक है, और करंट अफेयर की एक अलग क्लास क्यों जरूरी है। ठीक है, इतनी सारी क्लासेज हैं उसके बावजूद आपको मेरी क्लास क्यों लेनी पड़ेगी, और करंट अफेयर हमें कैसे पढ़ना है। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, आज पहली क्लास है। देखो, अगर कोई चीज प्लानिंग से होती है तो वो अच्छी तरीके से अपनी मंजिल को पाती है, इसलिए प्लानिंग पर हम बहुत ज्यादा जोर देंगे। उसके बाद में बच्चों आपके लिए है महत्वपूर्ण प्रश्न, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ये करंट अफेयर के होंगे, और आज तो चूंकि पहली क्लास है इसलिए कम ही क्वेश्चन है, कल से ये क्वेश्चंस ज्यादा हो जाएंगे। उसके बाद में आपके लिए होगा रैपिड फायर, रैपिड फायर के अंदर हम जीके और करंट अफेयर के ऐसे क्वेश्चंस लेंगे जो इंडिया के विभिन्न परीक्षाओं में, भारत की विभिन्न एग्जाम्स के अंदर बार बार रिपीट होते हैं, चाहे वो एसएससी हो, यूपीएससी हो, बैंक हो। ठीक है, तो ताकि क्या होगा कि हमारे जीके की भी तैयारी होती रहे। ये एक तरीके से मेरी तरफ से आपको गिफ्ट होगा कि रोज आप करंट अफेयर की क्लास के साथ में भी 7-8 क्वेश्चन जीके के जो बार बार रिपीट होते हैं वो आप याद कर लोगे। ठीक है, यहां पर ऑप्शन नहीं मिलेंगे। उसके बाद में होगा हमारा अगला सेक्शन, आज क्या है खास। देखो दोस्तों, रोज कोई ना कोई स्पेशल डे होता है, जैसे आज का, आज की तारीख का भी एक इंपॉर्टेंट दिन है, तो उस दिन के बारे में हम पढ़ेंगे कि वो दिन क्यों मनाया जाता है, 26 सितंबर को ही क्यों मनाया जाता है। ठीक है, उसका क्या महत्व है, उसका क्या इंपॉर्टेंस है, कौन कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो ये हमारा सेक्शन होगा आज क्या है खास। और लास्ट में मैं आपके लिए एक छोड़े जाऊंगा प्रश्न आपके लिए। ठीक है, और धीरे धीरे आपकी डिमांड पर इस क्लास में और भी चीज़ें अपन ऐड करते जाएंगे, जैसे जैसे बच्चों आप कहेंगे। ठीक है, क्योंकि ये आपकी क्लास है, क्लास 24 आपनों राजस्थान पे मैं क्लास ले रहा हूँ, और उसके बाद में क्लास 24 एसएससी में, वहाँ पर भी मैंने यही पैटर्न ले रखा है कि जैसे जैसे बच्चे डिमांड करेंगे, अगर आपको चाहिए होगा कि इस क्लास के अंदर एसएससी का और भी माल मटेरियल डाले, तो बच्चों आपकी इच्छा पर और भी चीज़ें इंक्लूड हो जाएगी। ठीक है, एक बार प्रॉपर तरीके से शेयर कर दीजिए, आज पहली क्लास है, कई लोगों को पता भी नहीं होगा कि क्लासेज स्टार्ट हो चुकी है करंट अफेयर की, इसलिए एक बार प्रॉपर तरीके से शेयर कर दीजिए। और हम चालू कर रहे हैं हमारी आज की डेली करंट अफेयर शो में, आज का पहला शो। ठीक है,
चलिए तो सबसे पहले बच्चों आपके लिए एक मोटिवेशन डोज है। मोटिवेशन डोज इस प्रकार से है, जब आंखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया, हे मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। देखिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स लाइफ में आएगी, बहुत सारे बच्चे हम आपको ये कहेंगे, परिवार वाले ये कहेंगे कि कहाँ फंस गया एसएससी में, तेरी तो औकात ही नहीं है, रिश्तेदार आप पे टोंट मारेंगे, दोस्त टोंट मारेंगे, ठीक है। लेकिन भाई साहब आपने ऑफिसर बनने का सपना आपने लिया है, टारगेट आपने लिया है, तो आपको ही चलना पड़ेगा, ठीक है। कोई मुश्किल नहीं है, कोई आसान नहीं है, बस जो मेहनत करेगा उसका रिजल्ट आएगा, ठीक है। आज का दिन बहुत ज़्यादा शुभ है, बहुत ज़्यादा प्यारा दिन है। अगर अपन माइथोलॉजी के हिसाब से देखें, अगर हम अपन ट्रेडिशनल हिसाब से भी देखें, तो आज नया वीक स्टार्ट हो रहा है, तो आज के दिन से ही अपने आप को कसम खा लो कि हाँ मुझे ये करना है, हाँ मुझे जीवन का ये लक्ष्य प्राप्त करना है। और एक बार अगर आपने कोई टारगेट सेट कर लिया और मेहनत स्टार्ट कर दी, तो दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती, ठीक है। क्योंकि एक महापुरुष है हुए हैं आधुनिक समय में, शाहरुख खान जी, उन्होंने कहा है किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात आपको उससे मिलवाने में लग जाती है। भाई साहब उन्होंने कहा है किसी और के लिए, हम उसको अप्लाई कर देंगे एसएससी के लिए, ठीक है बच्चों। चलिए तो ये हमारा आज का मोटिवेशन डोज है, उसके बाद में हम आते हैं हमारे अगले सेगमेंट में, जो कि आज पहली क्लास है, इसलिए हमें पता होना चाहिए करंट अफेयर व्हाई एंड हाउ, ठीक है, यानी कि करंट अफेयर क्यों जरूरी है और करंट अफेयर हमें कैसे पढ़ना है, क्यों पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, इन दो क्वेश्चंस का हमारे सामने आंसर होना चाहिए, ठीक है। एक बार बच्चों प्रॉपर तरीके से शेयर कर दो, मज़ा आ जाएगा आपको, ठीक है। वादा है मेरा कि 8-10 क्लास अगर आप ले लोगे तो उसके बाद में आपको क्लास लेने की आदत पड़ जाएगी और बेहतरीन ढंग से हम क्या करेंगे, सीखते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे, ठीक है। चलिए तो चलते हैं हमारे करंट अफेयर क्यों ज़रूरी है। सबसे पहला कारण तो यही है भाई साहब कि एसएससी ने नया पैटर्न जारी कर दिया है। अभी तक बच्चे करंट अफेयर या जीके को इसलिए नहीं पढ़ते थे क्योंकि उन्हें भरोसा था मैथ्स पर, उन्हें भरोसा था इंग्लिश पर। मैथ्स वाले बच्चों की रीजनिंग अपने आप अच्छी हो जाती है, तो उन्हें पता था कि भैया कैसे भी करके येन केन प्रकारेण मेरा प्रीलिम्स तो निकल जाएगा, ठीक है। और उसके बाद में एसएससी मेंस में आती नहीं है जीके, जब आती नहीं है तो क्यों पढ़े। लेकिन भाई साहब अब एसएससी ने कर दिया खेला, बेहतरीन खेला कर दिया है, इसलिए अब आपको जीके पर भी पूरा फोकस करना पड़ेगा। और जीके का सबसे डायनेमिक, सबसे बड़ा हिस्सा आता है करंट अफेयर से, ठीक है। इसलिए नए एसएससी पैटर्न पर आपको अगर चलना है, अगर आपको सफलता प्राप्त करनी है, तो बच्चों करंट अफेयर और जीके को आपको पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। चलिए उसके बाद में अगली चीज है मेरिट और सिलेक्शन डिसाइडर। जी हाँ साथियों, ठीक है, अगर आप चाहते हो कि आपकी प्रॉपर मेरिट में आए, आपकी अच्छी रैंक बने, तो बच्चों आपको ये पता होना चाहिए कि आपको वो काम करना होगा जो बाकी बच्चे नहीं कर रहे हैं, ठीक है। मैथ्स सभी ने पूरी प्रैक्टिस करी हुई है, इंग्लिश वोकैब सबकी रटी हुई है, ठीक है, रीजनिंग में भी आ जाएंगे, जिसकी मैथ्स अच्छी है उसको रीजनिंग में कोई दिक्कत नहीं होगी, जीके के भी जो ट्रेडिशनल पार्ट है वो रट लेंगे। लेकिन एक चीज ऐसी है जो सबके बस की बात नहीं है, ठीक है, वो है करंट अफेयर। अगर आपको प्रॉपर नौकरी चाहिए, अगर आपको सिलेक्शन चाहिए वो भी टॉप क्लास में, तो भैया ये आपको करंट अफेयर पढ़ना पड़ेगा। और करंट अफेयर को लेकर आजकल क्या होता है, मार्केट में बुक आ जाती है कि सर करंट अफेयर तो लास्ट में पढ़ेंगे। लास्ट में करंट अफेयर सिर्फ रटना होता है और रटी हुई चीज बड़ी बेवफा होती है, आज हमारी है तो कल किसी और की हो जाएगी। इसलिए अगर आपको प्रॉपर मेरिट में आना है, प्रॉपर डिसाइडर बनना है, तो बच्चों करंट अफेयर का आपको शो डेली लेना होगा। इसमें भी आपके कॉन्सेप्ट वाइज कॉन्सेप्ट बनते रहेंगे, ठीक है, 50-55 मिनट की क्लास होगी, आपको रोज लेनी चाहिए, ठीक है। चलिए अगला रीजन है इजी टू अंडरस्टैंड रिमेंबर, ठीक है। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं होगी, इसके अंदर कोई ऐसी चीज नहीं होगी कि आपके जैसे फिजिक्स है, ठीक है, संवेग संरक्षण का नियम, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होगा। आपको आसानी से अगर आप डेली क्लास लेते जाओगे तो जो इंपॉर्टेंट चीज होगी, जैसे मान लो कोई गवर्नमेंट की स्कीम्स है, गवर्नमेंट की कोई स्कीम है, सपोज करो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एक योजना है भारत सरकार की, उस योजना में भारत सरकार कोई डेवलप कोई चेंज कर रही है, कोई उसमें मॉडिफिकेशन कर रही है, तो वो बच्चों मैं आपको इतनी बार बताऊंगा, बार बार बताऊंगा कि वो आपको आसानी से याद हो जाएगी, आपके अंदर अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी। इसलिए करंट अफेयर की क्लास जरूरी है।
चलिए उसके बाद में है लिंक्ड विथ ऑल पोर्शन ऑफ जीके, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। आप आज की ही क्लास में देखेंगे कि करंट अफेयर एक अलग से सेगमेंट नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि भैया करंट अफेयर कौन से सब्जेक्ट में आता है, पॉलिटी में आता है, ज्योग्राफी में आता है। कुछ लोग कहते हैं कि करंट अफेयर तो भैया अलग ही सब्जेक्ट है। मैं कह रहा हूं करंट अफेयर कोई अलग सब्जेक्ट नहीं है, जीके का या जनरल स्टडीज का कोई सा भी ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जो करंट अफेयर से अछूता ना हो, ठीक है। यानी कि करंट अफेयर आपके पॉलिटी से जुड़ा हुआ है, करंट अफेयर आपके इकोनॉमिक्स से जुड़ा हुआ है, करंट अफेयर आपके साइंस से जुड़ा हुआ है, करंट अफेयर आपके किससे, यहां तक की कल्चर से जुड़ा हुआ है, ठीक है। करंट अफेयर यहां तक की आजकल तो बच्चों हिस्ट्री के क्वेश्चन भी करंट अफेयर से जुड़े हुए आ रहे हैं, ठीक है। कैसे आ रहे हैं, जैसे मान लो नरेंद्र मोदी जी हमारे भारत के प्राइम मिनिस्टर किसी मंदिर में जाते हैं, किसी विदेश के दौरे पर गए हैं और किसी मंदिर में चले गए और मंदिर के अंदर वहां पर जाकर उसकी विशेषताएं बता दी, तो वो अपने आप हमारे लिए क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। यानी कि अपने आप अंडरस्टूड है कि करंट अफेयर का लिंक है सभी सब्जेक्ट्स पे, ठीक है, चाहे IR हो, ठीक है, इंटरनेशनल रिलेशन हो, सभी सब्जेक्ट्स पर करंट अफेयर का लिंक है और करंट अफेयर के बिना कोई भी सब्जेक्ट पूरी नहीं होगी। इसलिए आपको करंट अफेयर बहुत अच्छी तरीके से पढ़नी पड़ेगी, ठीक है बच्चों, बहुत अच्छी तरीके से पढ़नी पड़ेगी। एक बार जल्दी से शेयर कर दीजिए। चलिए अब चलते हैं हम हमारे अगले सेगमेंट में, हमें करंट अफेयर कैसे पढ़ना है, या आपको ये जो चश्मिस मास्टर पढ़ाएगा अंकुर पारिक, ये कैसे करंट अफेयर पढ़ाएगा, आपकी भी क्या रणनीति होनी चाहिए। सबसे पहली रणनीति, सबसे पहला नियम मेरी क्लास का है बच्चों, किसी भी तरीके का रट्टाफिकेशन नहीं करना है, ठीक है। रटना तो है ही नहीं, क्योंकि मैंने क्या कहा है, रटी हुई चीज बेवफा होती है, बेवफा आज किसी की तो कल किसी और की हो जाएगी। हमें तो क्या करना है, हमें तो पूरा अपना बनाना है, ऐसा अपना बनाना है किसी चीज को कि वो 7 जन्मों तक साथ निभाए। इसलिए बच्चों रटना नहीं है, रटने की जगह हमें क्या करना है, समझना है, हमको पूरा कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करना है, ठीक है, 360 डिग्री अप्रोच से काम करना है। सिर्फ ये नहीं करना कि कोई क्वेश्चन मैंने आपको पूछा उसका आंसर आपने रट लिया, ये कोई आज तक चैनल नहीं है कि आपको 5 मिनट में 50 खबरें बताई जा रही है, ठीक है। बेशक हम क्वेश्चन कम करेंगे, ठीक है, हम प्रश्न कम करेंगे, लेकिन जितना करेंगे उसके सारे डायनेमिक कर लेंगे। यानी कि ये एक क्वेश्चन है, इसके आसपास के जितने क्वेश्चंस बनते जाते हैं उन सबको भी हम समाहित कर लेंगे। इस रणनीति का नाम होता है 360 डिग्री अप्रोच। जी हाँ साथियों, इसका नाम क्या होता है, 360 डिग्री अप्रोच। इस अप्रोच का अगर आपने पालन करा तो निश्चित रूप से आपको फायदा होगा, ठीक है। कैसे होगा ये अभी हम मैं आपको एग्जांपल के कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा, उससे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है बच्चों। चलिए भरत वीर राठौड़ जी गुड मॉर्निंग, खुशी सैनी जी गुड मॉर्निंग बेटा। चलिए उसके बाद में पॉइंट टू पॉइंट स्टडी करना है। ये पॉइंट टू पॉइंट स्टडी क्या होती है, यानी कि ऐसा नहीं है कि आज के प्रश्न याद कर लिए कल के भूल गए, ठीक है। सारी चीजें इसमें लिंक है, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछते पूछ पढ़ाते पढ़ाते मेरी आदत है, मैं पुरानी चीजें भी पूछ लेता हूं। हमें रिकॉल करते हुए पढ़ना है, हमें इस तरीके से नहीं पढ़ना कि पूरे नोट्स ये ऐसे लिख रहे हैं, ठीक है। मैं अक्सर एक बात बोलता हूं कि जो करंट अफेयर के नोट्स होते हैं वो कॉपी सबसे गंदी होती है। गंदी कैसे, यानी कि कई चीजें हम ऐसे चार्ट से पढ़ेंगे, कई हम ब्लॉक डायग्राम से पढ़ेंगे, कई हम पॉइंट पॉइंट पढ़ेंगे, और जैसे ही करेक्शन हो जाता है, सपोज कीजिए कि जैसे एक सिंपल सा उदाहरण देता हूं, ठीक है, जैसे कि राजस्थान राज्य है भारत का एक, जिस राजस्थान राज्य में सपोज करो आज मैं आपको पढ़ा दूं कि राजस्थान के चीफ मिनिस्टर का नाम है अशोक गहलोत, और जिस तरीके से राजस्थान में माहौल चल रहा है, हो सकता है अशोक गहलोत साहब दो पल के मेहमान रहे, ठीक है, वो दूसरे मुख्यमंत्री बन जाए, तो फिर हमें लकीर का फकीर नहीं बनना है। हिस्ट्री में तो भैया पानीपत का युद्ध जब हुआ जब ही रहेगा, लेकिन हमारी करंट की चीजें टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है, और आप डेली क्लास लेंगे तो आपको मैं चेंजमेंट भी करवा दूंगा, ठीक है। चलिए ठीक है, सर मैं आपका बैच लेना चाहता हूं। धन्यवाद भरत जी, बिल्कुल आप बैच लीजिए, आपको बहुत फायदा होगा बेटा, ठीक है। उसके बाद में है करंट एज ए टूल ऑफ स्टैटिक रिवीजन। ये हमारी क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होगा, करंट एज ए टूल ऑफ स्टैटिक रिवीजन। स्टैटिक का मतलब होता है जो जो चीजें आपने जीके में पढ़ी है या जीके में पढ़ोगे, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस, कंप्यूटर,
इन सब चीजों को आपको पढ़ते रहना है, लेकिन हर पोर्शन को आपको करंट से लिंक करना है। अब कैसे करना है, जैसे आज का मैं प्रश्न लेकर आऊंगा डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व, ठीक है। डुगोंग क्या होता है, समुद्री गाय को कहते हैं, सी काउ को कहा जाता है। जैसे ही इसके बारे में हम पढ़ेंगे, आपके दिमाग में या जो अच्छे पढ़ने वाला बच्चा होता है, पहले तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि ये जैसे कि तमिलनाडु में है सपोज करो, तो तमिलनाडु का पूरा जीके आ जाएगा, मैप साथ में आ जाएगा। उसके बाद डुगोंग क्या होता है, उसमें हम एक पढ़ेंगे कि ये IUCN की इस लिस्ट में आता है। अब ये IUCN क्या होता है, यानी कि बाकी जितनी भी नॉलेज आपने ली है उसका साथ साथ में आपको रिवीजन करना है। कोई मुश्किल काम नहीं है, ठीक है। मैं आपसे सिर्फ और सिर्फ 7 डेज मांग रहा हूं, 7 दिन बच्चों मेरे ऊपर भरोसा करके देखो। आज मंडे है, सैटरडे तक आप क्लास लेकर देखो, अगले बार मुझे आपको बुलाना नहीं पड़ेगा, आप अपने आप आओगे, ठीक है बच्चों। चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, बिल्कुल भरत जी, SSC की तैयारी करने के लिए आप एकदम सही मंच पर हैं। क्लास 24 SSC चैनल आपको SSC की तैयारी कराएगा, ठीक है। चलिए अब चलते हैं हम आगे। श्वेता यादव जी, गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग बेटा, आपका स्वागत है श्वेता जी। चलिए तो अब हम आगे देखते हैं हमारा अगला जो सेक्शन है, जिसके अंदर महत्वपूर्ण प्रश्न, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करंट अफेयर के। आज का पहला क्वेश्चन है, कोशिश करना बच्चों आंसर देने की आपको क्या करनी है, कोशिश करनी है और सभी को पार्टिसिपेशन लेना है। हमारी क्लास वन वे कम्युनिकेशन नहीं होगी कि मैं बोलता जाऊं आप सब सुनते जाओ, ऐसा नहीं होगा। मैं बोलूंगा और साथ साथ में आपका भी रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, आप भी आंसर दीजिए। जब नहीं आएगा तो क्या बात होगा, कुछ नहीं होगा, आपके कोई ससुराल वाले तो देख नहीं रहे हैं, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन है, भारत का पहला डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व किस राज्य में है। इंडियाज फर्स्ट डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व इज इन विच स्टेट। नागालैंड, तमिलनाडु, गुजरात, पंजाब, ठीक है। पहला प्रश्न है, इस प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश करिए। हाल ही में भारत सरकार के द्वारा यह और संबंधित राज्य सरकार के द्वारा यह अधिसूचित किया गया है कि यह इंडियाज फर्स्ट डुगोंग रिजर्व सेंटर होगा। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का आंसर, और बहुत बढ़िया, आलोक जी ने इसका उत्तर बताया है, कुमार गणेश ने इसका उत्तर बताया, वेरी गुड बेटा, ठीक है। चलिए बाकी बच्चों भी उत्तर बताइए। देखिए ये जो भारत का पहला डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व है, ये कहां होगा, ये बच्चों होगा आपके तमिलनाडु में, ठीक है। तमिलनाडु में ये स्थापित किया गया है, ठीक है। तमिलनाडु के अंदर 2 जिले हैं जिसका नाम है तंजावुर और उसके बाद में है पुडुकोट्टई, ठीक है। कौन कौन से जिले हैं, एक तो आपके तंजावुर है और दूसरा कौन सा है, पुदुकोट्टई। इन 2 जिलों के साथ साथ में तमिलनाडु के अंदर पल्कवे है, ठीक है, पल्कवे जिसे हिंदी में कहा जाता है पाक जल संधि, इन सब को जोड़ते हुए भारत का पहला डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व बनाया गया है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत शानदार बच्चों, आपने आंसर दिया है, कुमार ने, समर ने, ऐश्वर्या ने, आलोक ने, भरत ने, ठीक है बच्चों। चलिए ठीक है, अब चलते हैं इसके बारे में, हमें यही नहीं रुकना है। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन देख लिया, आंसर रट लिया, पर बच्चों अब SSC हो या जितने भी वनडे एग्जाम हो, वो भी UPSC की तर्ज पर जा रहे हैं। UPSC की तर्ज का मतलब क्या है सर, इसका मतलब ये है कि अब वो डायनेमिक आपसे नॉलेज चाहते हैं। डायनेमिक नॉलेज कैसे चाहते हैं, ये देखिए, ये डुगोंग काऊ के बारे में आपको, डुगोंग जिसका मतलब होता है सी काऊ, समुद्री गाय, इसके बारे में आपको पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन बच्चों क्या होनी चाहिए, होनी चाहिए, ये उम्मीद करता है अब आपसे एग्जामिनर। देखो चलो देखते हैं सर इसमें क्या क्या नॉलेज आनी चाहिए। सबसे पहले तो ये जो डुगोंग होता है, इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है सी काऊ, समुद्री गाय इसको कहा जाता है, ठीक है बच्चों, पहला पॉइंट है, ठीक है। और एक चीज मैं आपसे और रिक्वेस्ट करूंगा कि अब जब आप क्लास लेने बैठो ना, तो प्यारे बच्चों आप साथ साथ में प्रॉपर नोट्स भी बनाते जाओ। हालांकि आपको PDF मिल जाएगी, पर प्रॉपर अगर आप नोट्स बनाओगे, ठीक है, जो पॉइंट आपको नहीं आए आप नोट करते रहोगे, तो आपको एग्जाम में रिवीजन के टाइम पर फायदा मिलेगा, ठीक है। चलिए गुड मॉर्निंग जी, उसके बाद में आपके दूसरा क्या है, ये ग्रे कलर्ड मेरीन मैमल्स होते हैं। ये कौन, इनका कलर कौन सा होता है, ग्रे कलर का होता है। ये मेरीन यानी कि समुद्री मैमल्स होते हैं, ठीक है। IUCN ने इनको वनरेबल घोषित किया
गया है, ये इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल 1 के अंदर आते हैं, ठीक है। और ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, ये गल्फ ऑफ मन्नार में है, गल्फ ऑफ कच्छ में है, अंडमान निकोबार आइसलैंड के अंदर है। कहाँ कहाँ है इनकी उपस्थिति, मन्नार की खाड़ी में, उसके अलावा कच्छ की खाड़ी में और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, इसके साथ साथ जो इंफॉर्मेशन आपने पक्का पढ़ ली, तो अब आप एग्जामिनर को कह सकते हो, पूछ ले बेटा क्या पूछना चाह रहा है, हम तैयार हैं, क्लास 24 के स्टूडेंट हैं हम, हमें सब चीजें आती है, हमने पूरा ओवरव्यू पढ़ाई करी है, ठीक है बच्चों। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, ठीक है। चलिए अब चलते हैं हम हमारे अगले क्वेश्चन में, ठीक है बच्चों। एक बार बता दो, क्योंकि आज पहली क्लास है, स्पीड वगैरह प्रॉपर है ना, समझ में आ रहा है ना, एक बार आप जल्दी से बताओ कि आपको प्रॉपर समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, एक बार बता दो बच्चों, ठीक है। कमेंट करके बताओ चैट बॉक्स में कि सही है स्पीड सर, समझ में आ रहा है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, समर बहादुर, श्वेता यादव, बहुत बढ़िया बच्चों, ठीक है। चलिए अब चलते हैं हम हमारे अगले क्वेश्चन में, 2023 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा, विच कंट्री विल चेयर द ब्रिक्स समिट इन 2023, यानी कि 2023 के अंदर ब्रिक्स क्या होता है। देखो दोस्तों, 2006 में एक ऑर्गेनाइजेशन बनाता 2006 के अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाता जिसका नाम था ब्रिक, ठीक है। क्या नाम था, ब्रिक। ब्रिक का मतलब क्या होता है, ब्रिक का मतलब होता है ईंट, ठीक है। ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, ठीक है, 2006 में बना था। और उसके अंदर एक देश जुड़ गया था चार साल के बाद में, 2010 के अंदर ये बन गया था ब्रिक्स, ठीक है। पूरी दुनिया के अंदर अमेरिका की दादागिरी चल रही थी, अगर अपन देसी भाषा में समझें, अमेरिका क्या कर रहा, चाह रहा था कि एक यूनिपोलर वर्ल्ड बन जाए, इकोनॉमिक कंडीशन के हिसाब से वर्ल्ड की जितनी भी बड़ी बड़ी संस्थाएं, चाहे वो वर्ल्ड बैंक हो, IMF हो, सब जगह अमेरिका का दबदबा था, उसको रोकने के लिए ब्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन बना था। ब्रिक्स के मेंबर कौन कौन से हैं, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ठीक है। इसमें से ये डिक्लेरेशन हुआ है कि 2023 के अंदर 2023 के अंदर जो ब्रिक्स का शिखर सम्मेलन होगा, ठीक है, ब्रिक्स समिट होगी, उसका चेयरपर्सन कौन होगा, उसको कौन अध्यक्षता करेगा। चार ऑप्शन है आपके सामने, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, इंडिया या चाइना। चलिए इसका उत्तर बताइए जल्दी से बताइए, बहुत बढ़िया। इसका आंसर बताया है कुमार गणेश ने, शाबाश बेटा, ठीक है। बाकी बच्चों ने भी कोशिश करी है, लेकिन कोई बात नहीं। देखिए याद रखना कि इसमें अभी दो जो अगले साल यानी कि 2023 अगले साल जो चेयर करेगा वो होगा आपका साउथ अफ्रीका, ठीक है। दक्षिणी अफ्रीका के द्वारा 2023 के अंदर ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की जाएगी, ठीक है। आपको ये याद रखना है कि 2021 में यानी कि पिछले साल इसका अध्यक्ष कौन था, हमारा प्यारा इंडिया। 2021 में भारत इसका चेयर करा था भारत ने, लेकिन अब 2022 में चाइना कर रहा है और 2023 में कौन करेगा, ब्राजील करेगा, ठीक है। 2006 में ये ऑर्गेनाइजेशन बना था ब्रिक्स, ठीक है। पूरी दुनिया के उभरती हुई जो अर्थव्यवस्था है, इमर्जिंग इकोनॉमी है, ठीक है। सो देखिए कितने बड़े बड़े देश है, ब्राजील हो गया, रशिया हो गया, इंडिया हो गया, चाइना हो गया और साउथ अफ्रीका हो गया। इन सब ने कहा है कि हम US की जो मोनोपोली है, ठीक है, विशेषकर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पर, ठीक है, उन सबको रोकने की कोशिश करेंगे, ठीक है बच्चों। चलिए ये आपको समझ में आ चुका है प्रॉपर से, ठीक है। चलिए ब्रिक्स में कौन कौन से देश हैं ये मैंने आपको बता दिया है, ब्रिक्स में ब्राजील हो गया, रशिया हो गया, इंडिया हो गया, चाइना हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया। अब देखो जो पढ़ने वाले बच्चे होंगे उनके लिए मैं एक होमवर्क दे रहा हूं, ठीक है। पढ़ने वाले बच्चे क्या करेंगे, पढ़ने वाले बच्चे वर्ल्ड मैप में, ठीक है, जो पढ़ने वाले बच्चे होंगे, ठीक है, सब ये काम नहीं करेंगे, ठीक है, वर्ल्ड मैप के अंदर ये क्या करेंगे, इन पांचों देश को नामांकित करेंगे, स्टार्ट करेंगे, ठीक है। कल से तो बच्चों मैं आपके लिए वर्ल्ड मैप के क्वेश्चन भी लेकर आऊंगा,
और मेरी कोशिश होगी कि आपको साथ साथ में मैप की प्रैक्टिस भी कराऊं। आज चूंकि पहली क्लास थी इसलिए इंट्रोडक्शन पर ही ज़्यादा टाइम लग गया। अब जैसे ही ये पांच देश आए हैं हमें पता लग गया कि इन पांचों देशों का मैप क्या क्या है, ठीक है, ये मैप में कहाँ है। उसके बाद में हमें पता लग गया कि इनके अंदर इनके प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर कौन है, ठीक है। चलिए तो ये काम आप करेंगे बच्चों, अगर करेंगे तो आपका प्रॉपरली सही ढंग से तैयारी हो जाएगी, प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो जाएगी, ठीक है। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का दूसरा क्वेश्चन है, सितंबर 2022 में G4 बैठक में भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व किसने करा, हु रिप्रेजेंटेड इंडिया इन द G4 मीटिंग इन सेप्टेम्बर 2022, ठीक है। ये G4 क्या होता है, G4 का मतलब होता है ग्रुप ऑफ फोर कंट्रीज, ठीक है। अब सबसे पहले तो सर क्वेश्चंस का आंसर बाद में बताना, पहले तो गुरुजी महाराज ये बता दो कि ये G4 क्या बला होती है, ठीक है। देखो G4 का मतलब होता है ऐसे चार देश जो ये डिमांड कर रहे हैं काफी टाइम से कि यूनाइटेड नेशन के अंदर, संयुक्त राष्ट्र के अंदर क्या हो, सुरक्षा परिषद, ठीक है, एक चीज आती है सिक्योरिटी काउंसिल। आपने सबने सुना होगा कि यूनाइटेड नेशन की सबसे महत्वपूर्ण सबसे इंपॉर्टेंट बॉडी है या जो आपके परमानेंट सीट है जिनकी सिक्योरिटी काउंसिल में, उसमें P5 देश आते हैं। कौन कौन से आते हैं, P5 देश आते हैं, अभी इनका नाम बताएंगे। तो काफी लंबे टाइम से इन पांच देशों को स्थायी सदस्यता है, और उसके अलावा जो देश हैं जैसे ब्राजील हो गया, जर्मनी हो गया, भारत हो गया और जापान हो गया। कौन कौन से देश हैं, ब्राजील, जर्मनी, भारत और जापान, ये काफी टाइम से ये डिमांड कर रहे हैं कि भैया हमें भी इसमें संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता मिले, ठीक है, हमें भी परमानेंट सीट मिले। हाँ क्यों, क्योंकि ये जो P5 कंट्री है, इन P5 कंट्री के पास में क्या है, वीटो का पावर है, ठीक है। कौन कौन सी P5 कंट्री है इनका भी नाम लिख देते हैं। सबसे पहला नाम आएगा आपके USA का, अमेरिका का। दूसरे नंबर पर पहले USSR था, सोवियत यूनियन, लेकिन USSR जब कोलैप्स हो गया, विक्टर हो गया, तो उसके बाद में नाम आया रशिया का, रूस उसकी जगह, रूस को मिल गया, ठीक है। हमारे देश को जिसने गुलाम बनाया, ग्रेट ब्रिटेन यानी कि UK लिख देता हूँ। चौथे नंबर पर आ जाएगा फ्रांस, और पांचवे नंबर पर आ जाएगा एशिया की तरफ से दे रखा है चाइना को। तो ये जो है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, इसमें काफ़ी लंबे समय से क्या चल रही है, डिमांड चल रही है कि भैया इसको आप क्या करो, सुधारो, ठीक है, इसको आप सुधारो। इसके लिए G4 के मेंबर्स आपस में मिलते रहते हैं, रणनीति बनाते हैं। तो जो सितंबर 2022 के अंदर मीटिंग हुई उसके अंदर विदेश मंत्रियों की, फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई थी। चलिए बताइए अब फॉरेस्ट मिनिस्टर कौन है, भारत के फॉरेन मिनिस्टर, सॉरी फॉरेस्ट नहीं, भारत के विदेश मंत्री कौन है, एक बार आंसर बताइए इसका उत्तर, ठीक है। इसके इसमें भारत की तरफ से गए थे एस जयशंकर, ठीक है। अभी जो मीटिंग हुई थी वो विदेश मंत्रियों का, बिल्कुल बेटा टाइम यही रहेगा सुबह 8 बजे से, ठीक है। चलिए विदेश मंत्रियों की बैठक थी और इसमें भारत की तरफ से भाग लिया था एस जयशंकर ने। एस जयशंकर कौन है, भारत के विदेश मंत्री हैं, ठीक है। क्वेश्चंस में आपके बायलिंगुअल लेकर आ रहा हूं ताकि किसी भी मीडियम वाले को प्रॉब्लम ना हो, ठीक है, हिंदी मीडियम वालों को भी प्रॉब्लम ना हो और इंग्लिश मीडियम को भी प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। हम देसी भाषा में एकदम सिंपल लैंग्वेज के अंदर समझेंगे, कोई भी टेक्निकल वर्ड अगर आपको प्रॉब्लम आए, ठीक है, किसी भी मीडियम को, हिंदी या इंग्लिश, आप डायरेक्ट पूछ सकते हैं कि सर ये चीज़ समझ में नहीं आई, मेरी पूरी कोशिश होगी कि वो मैं आपको प्रॉपर तरीके से समझा पाऊँ, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर हमने कॉन्सेप्ट देखा है G4 का, उसके बाद में है P5 का। चलिए ये G4 के देश हो गए, सबसे पहले तो आपका नाम आ गया G4 के अंदर जो देश है, ब्राजील हो गया, इंडिया हो गया, जापान हो गया और जर्मनी हो गया, ठीक है। इन सब की डिमांड क्या है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार हो, ठीक है। चलिए अब देखो एक और तीन चीजें मैंने आपको बताई है, ठीक है, G4 मैंने आपको बता दिया है, उसके बाद में दूसरा वर्ड मैंने आपको बताया है क्या, P5 में क्या है, परमानेंट 5। अब इसी से जुड़ा हुआ एक हो गया कॉफी क्लब, क्या हो गया, कॉफी क्लब। देखो ये कॉफी क्लब क्या है ये भी मैं आपको साथ में बता देता हूं। देखो
कई बार क्या होता है कि व्यक्ति को या किसी भी इंसान को इस चीज़ पर दुख नहीं होता कि मेरे पास कुछ नहीं है, उसको दुख क्या होता है मेरे पड़ोस वाले का फ़ायदा न हो जाए। सपोज करिए कि एक मिनट के लिए सोच लीजिए, दो एग्जाम आप भी दे रहे हो, आपका फ्रेंड भी दे रहा है, पड़ोसी एकदम ठीक है, और पड़ोसी का सिलेक्शन हो जाए और हमारा नहीं हो, तो हमारे घर वाले हमको जीने देंगे? बिल्कुल नहीं जीने देंगे। थ्री इडियट में एक डायलॉग आता है मूवी के अंदर, दोस्त फेल होता है तो दुख होता है, लेकिन दोस्त टॉप कर लेता है तो ज़्यादा दुख होता है। ठीक वैसे ही क्या हुआ कि जी फोर देश डिमांड कर रहे हैं सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर रिफॉर्म हो, हमें क्या मिले, परमानेंट सीट मिल जाए। तो इन सबके जो पड़ोसी देश है, जैसे भारत को कुछ मिलेगा तो सबसे पहले पेट में किसके दर्द होगा, पाकिस्तान के अंदर। ब्राज़ील को कुछ मिलेगा तो सबसे ज़्यादा दुख किसको होगा, ब्राज़ील को मिलेगा तो दुख होगा आपके किसको, अर्जेंटीना को ठीक है। जर्मनी को मिलेगा तो किसको होगा, जर्मनी को मिलेगा तो सीधी सी बात है कि जो उसके फ्रांस है उसको दुख होगा, और जापान को मिलेगा तो साउथ कोरिया। यानी कि इन G4 के अगेंस्ट, ठीक है, G4 के अगेंस्ट एक क्लब बना है जिसका नाम है कॉफ़ी क्लब। ये लोग ये मांग कर रहे हैं कि भैया कोई सुधार मत हो, हम तो डूबेंगे सनम संग तुम्हें भी ले डूबेंगे, इस सिद्धांत पर बना है G4 ठीक है, ये आपका कॉफी क्लब। ये तीनों चीजें आपको आई होप समझ में आ गई होगी, G4, P5 और कॉफी क्लब ठीक है बच्चों। चलिए अब चलते हैं आगे, ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है बच्चों को कह रहे हैं सही है सर। चलिए अगला क्वेश्चन है, छेलो शो को ऑस्कर के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि घोषित किया, यह किस भाषा की फिल्म है? ठीक है, एक फिल्म है छेलो शो, ठीक है, भारत की तरफ से ऑस्कर में ऑफिशियल एंट्री की तरफ से एंट्री के लिए इस मूवी को भेजा है। इस मूवी के सामने कुछ मूवी थी, जैसे कि एक थी आपके RRR, ठीक है, एक मूवी थी कश्मीर फाइल्स। इन सारी फिल्मों को पीछे छोड़ते हुए इंडिया ने अपनी तरफ से ऑस्कर में किसको भेजा है, ऑस्कर में भेजा है छेलो शो को। ठीक है, आप में से कई लोग तो इसका नाम भी नहीं जानते होंगे, ठीक है। छेलो शो हैज बीन डिक्लेयर्ड एज इंडियाज ऑफिशियल एंट्री फॉर द ऑस्कर्स। इट इज ए फिल्म ऑफ विच लैंग्वेज, पंजाबी, गुजराती, तमिल या मलयालम? कौन सी भाषा की ये फिल्म है जिसने RRR और कश्मीर फाइल्स जैसी ब्लॉकबस्टर मूवीज को पीछे छोड़ा है? इस मूवी की स्टोरी क्या है? इस मूवी की स्टोरी बेसिकली ये है कि एक छोटा सा बच्चा है, जो बच्चा ये सपना देखता है कि मैं भी बॉलीवुड में जाऊंगा, मैं भी फिल्में देखूंगा, ठीक है। वो ऐसे गांव से बिलोंग करता है जिस गांव के अंदर क्या है, लाइट वगैरह भी नहीं है। एक छोटे से प्यारे से मासूम बच्चे की तरह बच्चे के लिए ये कहानी है, और जैसे ही भारत में कुछ होता है उसका विरोध चालू हो जाता है। कई लोगों ने कहा कि नहीं, ये आपने गलत मूवी दे दी, ठीक है, ये मूवी तो खुद ही कॉपी है किसी से, ठीक है। तो डायरेक्टर साहब ने कहा नहीं, ये गलत बात है, ऐसा कुछ भी नहीं है। चलिए बताइए ये कौन से मूवी का है? चलिए बहुत बढ़िया, इसका आंसर बताया है ऐश्वर्या ने, कुमार गणेश ने, रोशन ने, बहुत बढ़िया बच्चों। ये है आपके गुजराती मूवी, ठीक है, गुजराती मूवी है ये, ठीक है, गुजराती मूवी है। ऑस्कर्स जो हर साल होता है, इसका चयन कौन करता है? इसका चयन करता है फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा चयन किया गया। मैं आपको बता चुका हूँ इसके चैलेंज में कौन सी थी, तीन मूवी थी, उनमें से एक को सेलेक्ट करना था, RRR और कश्मीर फाइल्स, ठीक है। चलिए अगले साल 2023 में लॉस एंजल्स के अंदर होगा आपके क्या, ऑस्कर अवार्ड। इसके साथ में एक चीज और आप यहां पर याद रख लो, इस मूवी को गोल्डन स्पाइक अवार्ड भी मिला हुआ है। ये जो आपकी मूवी है छेलो शो, इसको गोल्डन स्पाइक अवार्ड भी मिला हुआ है, ठीक है बच्चों। चलिए ठीक है, एक बार बच्चों प्रॉपर तरीके से शेयर कर दीजिए, ठीक है, पहली क्लास है, ठीक है, इस तरीके से मैं आपको बच्चों पढ़ाने की कोशिश करूंगा। मेरा मोटिवेशन भी बढ़ेगा अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग सपोर्ट करोगे। मैं समझ सकता हूं कि आज पहली क्लास है, ठीक है, ज़्यादा लोगों को पता भी नहीं था, लेकिन कल से पक्का आप कम से कम 50 लोग तो आना ही, ठीक है। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ, अगले प्रश्न की तरफ बच्चों। हाल ही में दिलीप तर्की को किसका अध्यक्ष बनाया? रिसेंटली दिलीप तर्की हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ हॉकी इंडिया, फुटबॉल इंडिया, कबड्डी इंडिया या क्रिकेट इंडिया, ठीक है। देखिए पर्सनैलिटी या व्यक्तित्व से संबंधित क्वेश्चंस आपके एग्जाम में जरूर मिलेंगे, बहुत सारे मिलेंगे। उसमें से एक प्रश्न है दिलीप तर्की। दिलीप तर्की नामक एक प्लेयर है, जो पुराना प्लेयर है, हमारा कैप्टन भी रहा हुआ इंडियन टीम का,
उसको किस ऑर्गेनाइजेशन का हेड बनाया है? चलिए बताइए इस प्रश्न का उत्तर बताइए, ठीक है, जल्दी से बताइए इसका उत्तर। ऑप्शन आ रहा है, ठीक है, वेरी गुड कुमार बेटा, बहुत बढ़िया, कीप इट अप रोशन, उसके अलावा अमन, चलिए ठीक है, चलिए हम भी एमपी, चलिए बहुत बढ़िया, पूजा, उसके अलावा श्वेता, अमन, चलिए बहुत बढ़िया। इसका आंसर क्या होगा? हॉकी इंडिया, ठीक है बच्चों, याद रखना हॉकी इंडिया का चेयरमैन बनाया गया है दिलीप टर्की को, दिलीप टर्की को हॉकी इंडिया का चेयरमैन बनाया गया है, ठीक है। ये जो दिलीप टर्की है ये पहले भारत के कैप्टन भी रह चुके हैं, ठीक है, ये एक्स कैप्टन रह चुके हैं, और हमारे देश में हॉकी को दोस्तों एक तरीके से रिवाइवल मिला है, ठीक है। आपको सबको पता होगा कि अभी कुछ समय पहले टोक्यो ओलंपिक हुआ था, टोक्यो पैरा ओलंपिक हुआ था, उसके अंदर आफ्टर 41 वर्षों के बाद में भारत ने हॉकी के अंदर क्या करा था, एक जादू करा था, और इस जादू का सबसे बड़ा श्रेय किसको जाता है? ओडिशा गवर्नमेंट को। देखो कितनी बड़ी बात है कि हमारा देश एक ऐसा देश है जिसमें हम उगते हुए सूरज को सलाम करते हैं। ये तो अच्छा रहा विराट कोहली की फॉर्म आ गई, वरना हम लोग तो ऐसे हैं जो कई लोग तो विराट कोहली को बैटिंग करना सिखा रहे थे, ये बैट ऐसे नहीं ऐसे पकड़ना चाहिए, अरे भाई वो खेल रहा है, ठीक है। तो हॉकी की जब दुर्गति हुई, हॉकी का जब डाउनफॉल चालू हुआ, तो उसको कोई स्पॉन्सर भी नहीं मिल रहा था, हॉकी का साथ देने के लिए इंडिया में कोई नहीं था। तब एक व्यक्ति आता है, अगर मैं ये कहूं कि इंडिया के सबसे अच्छे टॉप 10 पॉलिटिशियन हो, ठीक है, पॉलिटिशियन मैं यहां पर किसी राजनीतिक दल का समर्थन नहीं कर रहा हूं, तो उसमें एक नाम आएगा नवीन पटनायक का, ठीक है। ओडिशा के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक जी ने कहा कि मैं हॉकी को स्पॉन्सर करूंगा, और जितनी भी ये श्रेय है हॉकी को, ठीक है, हमने 41 वर्षों के बाद में हॉकी के अंदर कोई पदक जीता, ब्रॉन्ज मेडल इस बार लेकर आए थे, कि हमारे कैप्टन कौन थे, मनप्रीत सिंह, और उसके साथ साथ हमारी वुमेन टीम भी बहुत अच्छा खेली थी, पदक तो नहीं जीत पाई लेकिन वो क्या करी थी, वो सेमीफाइनल तक पहुंची थी, टॉप 4 के अंदर पहुंची थी, और इसमें आपको नाम याद होना चाहिए वंदना कटारिया, रानी रामपाल, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत बढ़िया, धन्यवाद पूजा जी, बहुत ठीक है, बड़ी मुश्किल से क्लास मिली है, चलो मिल तो चलिए, ठीक है, चलिए। तो ये क्या है, ध्यानचंद अवार्ड, बिल्कुल ध्यानचंद अवार्ड दिया जाता है, ठीक है, चलिए। मैथ्स कहाँ से पढ़ती हो? अरे जी मैथ्स वगैरह की भी क्लास यहीं से हो जाएगी, चिंता मत करिए, पूरा एसएससी का आपका प्रिपरेशन होगा। अब चलते हैं हम हमारे अगले सेक्शन में, जो होगा आपके रैपिड फायर। इस रैपिड फायर के अंदर बच्चों क्या होगा, इसके अंदर जीके और करंट अफेयर के ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जो बार बार एग्जाम्स के अंदर आपको आते हैं, और रैपिड फायर में आपको रैपिडली आंसर देना है। इसके अंदर आपके पास में ऑप्शंस नहीं होंगे, आई रिपीट, विकल्प नहीं होंगे, आपके सामने सीधा क्वेश्चन आएगा हिंदी और इंग्लिश में, और आपको इसका डायरेक्ट क्या देना पड़ेगा, आंसर देना पड़ेगा। चलिए आज का पहला क्वेश्चन है आपके लिए, जल्दी से उत्तर देना, संविधान के किस भाग में मूल अधिकार का उल्लेख है? विच पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ फंडामेंटल राइट, ठीक है, बताइए हमारे भारतीय संविधान के किस भाग में मूल अधिकार का उल्लेख है, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स के बारे में संविधान के किस भाग में उल्लेखित है, ठीक है, बताइए। संविधान के कितने भाग होते हैं? संविधान के टोटल 17 भाग होते हैं, ठीक है, या 22 भाग होते हैं, उनमें से कौन सा है, चलिए बताइए जल्दी से इसका उत्तर। बहुत बढ़िया, कुमार बेटा ने एक बार फिर सही बताया है, ठीक है, पार्ट 3, वेरी गुड अमन जी, बहुत बढ़िया, ठीक है। देखो बच्चों, संविधान के अंदर जो पार्ट 3 है, ठीक है, पार्ट 3 है जिसके अंदर आर्टिकल कौन से आएंगे, 12 से लेकर 35, 12 से 35, इनको बोलते हैं फंडामेंटल राइट्स। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमको दे रखे हैं, भारत को, भारत से ये अधिकार कोई नहीं छीन सकता, खुद नरेंद्र मोदी आ जाए या योगी आदित्यनाथ आ जाए तो भी ये आपसे नहीं छीन सकते, ये भारत के मूल अधिकार हैं, क्योंकि ये किसने दिए हैं, भारत के संविधान ने दिए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने दिए हैं, 12 से 35, ठीक है। जो बच्चे पार्ट 4 बता रहे हैं, 4 के अंदर डीपीएसपी है, नीति निर्देशक तत्व हैं, ठीक है बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके लिए,
प्राचीन भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण युग कहलाता है? विच पीरियड ऑफ एंसेंट इंडियन हिस्ट्री इज कॉल्ड गोल्डन एज। ठीक है, भारतीय इतिहास का कौन सा भाग है, कौन सा समय है जिसको हम कहते हैं कि ये भैया गुप्त का ये आपका स्वर्ण युग था। चलिए आंसर में बोल दिया है, ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए तो इसका क्या होगा, इसका आंसर होगा, रोशन ने एकदम सही बताया है, कुमार ने सही बताया है, अमन ने सही बताया है, ये बच्चों कौन सा है, गुप्त काल। ठीक है, गुप्ता एरा जो होता है जिसके अंदर इंडिया ने कल्चर में, आर्ट में, लिटरेचर में, साइंस में बहुत ज़्यादा प्रगति करी थी। हमारे बहुत अच्छे अच्छे किंग आए थे, समुद्रगुप्त जिनको भारत का नेपोलियन कहा जाता है, चंद्रगुप्त, ठीक है, तो ये सारे के सारे गुप्त एरा में आए थे। ठीक है बच्चों, चलिए उसके बाद में आपके अगला जो है, क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, विच इज द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ कंट्री इन टर्म्स ऑफ एरिया। ठीक है, चलिए बताइए हमारे देश के अंदर एरिया वाइज सबसे बड़ा स्टेट कौन सा है इंडिया का। आपके पास में कोई ऑप्शन नहीं है क्योंकि ये रैपिड फायर है, रैपिड फायर में आपको आंसर डायरेक्ट बताना है। ठीक है, जो बच्चे रशिया बता रहे हैं वो गलत बता रहे हैं, क्योंकि बेटा रशिया तो किसका होगा, वर्ल्ड का होगा, मैं इंडिया का पूछ रहा हूँ। चलिए पूजा ने सही बताया है, कुमार ने, अमन ने, सुशीला ने, रोशन ने, चलिए बहुत बढ़िया। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा राजस्थान। ठीक है, आप मध्य प्रदेश का जब डिवाइडेशन हो गया था, मध्य प्रदेश से जब छत्तीसगढ़ अलग हो गया था, तो उसके बाद में राजस्थान बन गया हमारे देश का सबसे बड़ा राज्य अकॉर्डिंग टू क्षेत्रफल एरिया वाइज। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, और अगर अपन एरिया पॉपुलेशन वाइज देखें तो यूपी आएगा, जनसंख्या के हिसाब से कौन सा आएगा, उत्तर प्रदेश आएगा। ठीक है बच्चों, चलो अगला क्वेश्चन है आपके लिए, कोशिका की आत्महत्या थैली किसे कहते हैं, व्हाट इज कॉल्ड द सुसाइडल बैग ऑफ सेल। ठीक है, कोशिका की आत्महत्या थैली किसे कहा जाता है। ठीक है, बताइए, ये जो आपके रैपिड फायर है इसमें जीके के जितने पोर्शन है उनके क्वेश्चंस में लेकर आऊंगा। चलिए बहुत बढ़िया, रोशन जी ने इसका आंसर सही बताया है, पूजा ने सही बताया है, लाइसोसोम। ठीक है, कोशिका की आत्महत्या थैली कहा जाता है लाइसोसोम को। ठीक है बच्चों, लाइसोसोम इज कॉल्ड एज द सुसाइडल बैग ऑफ सेल। चलिए बहुत बढ़िया, अगला क्वेश्चन है आपके लिए, बाइनरी गणित में किस अंकों का प्रयोग किया जाता है, व्हाट नंबर्स आर यूज्ड इन बाइनरी मैथमेटिक्स। देखिए आपके एसएससी ने जो एग्जाम पैटर्न करा है उसमें कंप्यूटर का भी एक बड़ा पार्ट दिया है। ठीक है, तो हमें कंप्यूटर के बारे में भी पता होना चाहिए, तो एक मैथमेटिक्स यूज होती है कंप्यूटर के अंदर जिसे कहा जाता है बाइनरी गणित, बाइनरी मैथ। ठीक है, इसके अंदर कौन कौन से नंबर्स का यूज होता है, जैसे हम डिजिटल जो गणित होती है, जो बेसिक गणित होती है, उसमें 0 से 9 तक यूज करते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, और बाकी जितने भी अंक बनेंगे वो इन 10 अंकों से ही बनेंगे। वैसे बाइनरी गणित के अंदर किन किन अंकों का यूज होगा, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए इसका आंसर पूजा ने बताया है, अमन ने बताया है, सुशीला ने बताया है, रोशन ने बताया, वेरी गुड बच्चों, इसका आंसर होगा 0 और 1। ठीक है, 0 और 1 आर करेक्ट आंसर, बहुत बढ़िया। चलिए अब चलते हैं हम हमारे अगले सेगमेंट में जिसका नाम है आज क्या है खास। ठीक है, रोज बच्चों कोई ना कोई स्पेशल दिन मनाया जाता है, आज क्या है दोस्तों, आज है 26 सितंबर, आज कौन सा इंटरनेशनल डे मनाया जाता है। ठीक है, एक साथ बच्चों याद नहीं होगा, रोज की क्लास में रोज के दिन याद होते रहेंगे तो हमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलिए देखते हैं आज कौन सा दिन है, आज दोस्तों है इंटरनेशनल डे फॉर द टोटल एलिमिनेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। ठीक है, हिंदी में इसको कहेंगे परमाणु हथियार उन्मूलन दिवस। देखो हमारी दुनिया के अंदर एक शब्द आता है कोल्ड वार। ठीक है, जब 1947 के आसपास जब दुनिया आज़ाद हो रही थी आफ्टर सेकंड वर्ल्ड वार, तो दुनिया दो धड़ों में बट गई, एक तो अमेरिका के नेतृत्व में, एक यूएसएसआर के नेतृत्व में। ठीक है, तो इन दोनों देशों के बीच में कोल्ड वार स्टार्ट हुआ। कोल्ड वार का मतलब क्या होता है, वैसे तो लड़ाई नहीं होना लेकिन मन मन में लड़ाई होना, जैसे घरों में होती है ना देवरानी जेठानी के बीच
में, ननद भाभी के बीच में, कहे कुछ नहीं सकते लेकिन बिगाड़ने की पूरी कोशिश करते हैं। ठीक है, ठीक वैसे ही कोल्ड वार चल रहा था। इस कोल्ड वार के दौरान दोनों ही देशों ने या विश्व की शक्तियों ने ज़्यादा से ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन इकट्ठा करना प्रारंभ कर दिया। तो यूनाइटेड नेशंस ने इसके खिलाफ क्या करा, एक रेजोल्यूशन पास करा, कोल्ड वार भी खत्म हो गया। ठीक है, 2013 में, ध्यान से देखना, 2013 के अंदर एक रेजोल्यूशन आया था कि भैया आपको एक दिन ऐसा मनाना चाहिए पूरी दुनिया में जिसके अंदर क्या हो, परमाणु हथियार उन्मूलन हो, इंटरनेशनल डे फॉर टोटल एलिमिनेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन हो। और 2014 में 26 सितंबर को पहली बार ये मनाया गया। इसका सीधे सी बात है कि पूरी दुनिया शांति से रहे, पूरी दुनिया प्यार से रहे। ठीक है बच्चों, चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है चलिए, चलो बहुत बढ़िया, ठीक है चलते हैं। अब दोस्तों एक क्लास को एंड करने का टाइम आ चुका है, क्लास को वाइंड अप करने का टाइम आ चुका है। आज पहली क्लास थी, कल कुछ क्वेश्चंस आपके लिए ज़्यादा लेकर आएंगे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, इस क्वेश्चन का उत्तर, इस प्रश्न का उत्तर आपको यहाँ नहीं देना है। इसका आंसर आप कहाँ देंगे प्यारे बच्चों, इसका उत्तर देंगे आप कॉमेंट बॉक्स में। कमेंट बॉक्स में आपको दो काम करना है, एक तो इस क्वेश्चन का आंसर देना है और एक आज हमारी पहली क्लास हुई है इसका आपको क्या करना है, प्रॉपर रिव्यू करना है। आपको कौन सी चीज अच्छी लगी, कौन सी शिकायत है हमसे, और आप एसएससी के लिए, ये पूरी क्लास डेडिकेटेड है आपके लिए। हालांकि बाकी जितने भी एग्जाम हैं जहां इंडिया जीके आती है, इंडिया करंट अफेयर आती है, वो लोग भी देख सकते हैं। इस क्लास के अंदर आप कोई पोर्शन और ऐड करवाना चाहते हैं तो वो भी आप बता सकते हैं, आपके सुझाव सादर आमंत्रित हैं। ठीक है, आपकी जो पॉजिटिव जो आपकी डिमांड होगी वो हम कोशिश करेंगे फुलफिल करने की। तो आपके लिए क्वेश्चन है, प्रिय दर्शनी अकादमी का स्मृति पाटिल मेमोरियल अवार्ड 2022 किसे प्रदान किया गया, हु वाज कन्फर्ड द प्रिय दर्शनी अकेडमीज स्मृति पाटिल मेमोरियल अवार्ड। चार ऑप्शन है इस आपके सामने, पहला प्रियंका चोपड़ा, दूसरा आलिया भट्ट, तीसरा ऐश्वर्या राय, चौथा विद्या बालन। आपको इसका आंसर देना है, आंसर यहाँ नहीं देना है बच्चों, आंसर आपको कहाँ देना है, आंसर देना है आपको कमेंट बॉक्स में। ठीक है, मुझे आपके कमेंट, आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। कैसी लगी आपको क्लास ये भी बताना, ठीक है, और क्या क्या हम सुधार कर सकते हैं ये भी बताना। जो आज पहली बार चैनल पर आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, बेल आइकन की घंटी दबाइए। क्लास 24 आपके साथ हमेशा थी, हमेशा है और हमेशा रहेगी। चलिए, अपना, अपने चाहने वालों और अपने प्यारे से वतन का ख्याल रखिएगा। एक बार फिर आप सभी को नवरात्रि के पावन पर्व की बहुत बहुत शुभकामना। माता रानी से ये मैं मन्नत मांगता हूँ कि आप सभी के सारे अरमान पूरे हो, भगवान आपके जीवन में खुशियाँ लाए। राधे राधे।